Today I will teach you about pests. What are pests? Communities of life that causes or are capable of causing damage to the extent of compelling man to take deliberate measures of controlling, restricting or minimizing the causative agent, the damage and loss are termed pests. Variety of insects are pests, causing damage to cultivated crops, fruits, wood and forest wealth, stored grains, furnitures and clothes. Now we will take the pest grain moth. Zoological name of grain moth is Cytotroga cerealella. Classification and systemic position of this moth is phylum Arthropoda, class Insecta, order Lepidoptera. It is also known as Angua's grain moth because it was first described from the French province of Angua in 1736. This small moth caused severe damage to stored paddy and jowar, but is also reported to damage wheat, barley and maize. They also attack wheat in the field. Morphology mein adult moth grey, yellow or brown color ka hota hai. Iski size 10 to 12 millimeter in length hoti hai. Larva white creamy color ka hota hai aur 5 millimeter uski length hoti hai. Aur iska head bahut hi characteristic yellow brown color ka hota hai. Agar hum life cycle dekhte hain, to after emergence the adult moth start mating with after 2 to 3 weeks. After fertilization, female lays egg. Female lays 150 eggs in a week. Eggs are white in color, but after some days it becomes red in color. After that, eggs hatches into larvae comes out. Larvae are white or creamy in color. They are voracious feeder. Maximum cause जो damage cause करता है larvae grains के milky substance को ही feed करने लगता है और उसको weak कर देता है या उसका grains में seed नहीं बनने देता और उसका पूरा milky substance suck कर लेते हैं. यहाँ पे seeds को अपना feed करने के 3 weeks के बाद इसमें spinning start होती है. caterpillar अपने चारों ओर स्पिनिंग करता है और सिल्कन ककून स्पिन कर लेता है और उसको प्यूपा कहते हैं. प्यूपा से फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होता है. प्यूपा से एडल्ट इमर्ज होता है. आफ्टर इमर्जेंस इट स्टार्ट्स देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल आफ्टर 3 weeks. इस तरह एक साल में इस मौत की कई जनरेशंस प्रोड्यूस होती हैं और इस तरह ये सीवियर डैमेज कॉज करता है. मेल की लाइफ स्पैन जो है वो स्मॉलर होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल. इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि एडल्ट मॉथ जो है वो किसी भी डैमेज कॉज नहीं करता है. इसमें डैमेज कॉज करता है इसकी लार्वल स्टेज, क्योंकि वही ग्रेन्स पे फीड करती है. फिर वो ग्रेन्स चाहे फील्ड पे हो या कैसे गोडाउन वगैरह में स्टोर होते हों. डैमेज हाई ह्यूमिडिटी और हैवी मॉइस्चर ये बहुत सूटेबल होते हैं इन मौत के लिए जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं. इसीलिए मॉनसून पीरियड मैक्सिमम डैमेज कॉज करता है. इनका इन्फेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है जब ये जो क्रॉप होती है वो फील्ड में ही होती है और ग्रेन्स मिल्की स्टेज में होते हैं. लार्वी उस मिल्की सब्सटेंस को फीड कर लेती है जिससे कि ग्रेन्स हॉलो रह जाते हैं और उसमें छेद हो जाते हैं, जिससे कि क्रॉप जो होते हैं काफ़ी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल लो हो जाती है. और इस तरह ये रिपोर्ट किया गया है कि लगभग 30% डैमेज फील्ड पर ही हो जाता है. अगर ये कहीं गोडाउन वगैरह में या स्टोर्ड ग्रेन्स पे अटैक करते हैं तो अपर लेयर को सबसे पहले ये डैमेज करते हैं, धीरे धीरे फिर उसके लोअर लेयर पे जाते हैं. कंट्रोल के लिए अगर हम ऊपर की लेयर को रिमूव कर दें तो इसको डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके अलावा अगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं तो सबसे पहले कि स्टोरेज से पहले ग्रेन्स को प्रॉपर ड्राई कर लिया जाए और स्टरलाइज कर लें, उसके बाद ही इसको गोडाउन या ग्रेनरीज में स्टोर करें. इन्फेस्टेटेड ग्रेन्स को
एग लार्वी या प्यूपल स्टेज जो भी हमें दिखाई दे रहा है ग्रैनीज में उसको रिमूव कर दें और उसके बाद उसको स्टोर करें। इन्फेस्टेशन होने के बाद गोडाउंस और ग्रैनरी को अगर मान लीजिए मीन्स कि अगर ग्रैनरी में स्टोर है और वहाँ पे फिर इन्फेस्टेशन हो गया है तो वहाँ पे 5 मिनट के लिए टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दें, जिससे कि ये लार्वल स्टेज वगैरह उसको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसका इस तरह उनको कंट्रोल किया जा सकता है। फ्यूमिगेशन भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड को का फ्यूमिगेट कर दे या स्प्रे कर देना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इन ग्रैनरीज एंड गोडाउंस। तो इस तरह से फ्यूमिगेशन करके उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके अलावा इथाइल डाइब्रोमाइड यानी कि EDB इज ऑल्सो एन इफेक्टिव फ्यूमिगेंट विच कंट्रोल्स द ग्रेन मॉथ एंड इज इट्स इन्फेक्शन ऑफ द ग्रेन्स।